नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर मीरा गर्ल्स कॉलेज, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के व्याख्यान का टॉपिक है परिस्थिति तथा भूमिका, स्टेटस एंड रोल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। बच्चा पैदा होते ही एक समाज का अंग बन जाता है। वह परिवार में पैदा होते ही एक सामाजिक भूमिका निभाने लगता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसको समाज में कोई ना कोई स्थान जरूर दे दिया जाता है। वह किसी का बेटा बन जाता है, किसी की बेटी बन जाता है, किसी की पोती, पोता, दोहिता, दोहिती, कोई ना कोई नाम उसको जरूर परिवार में दे दिया जाता है। तो ये जो नाम समाज के द्वारा उसको दिया जाता है, वही उसका पद है। और इस पद को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का नाम दिया गया है, परिस्थिति। तो परिस्थिति से तात्पर्य है व्यक्ति को समाज में जो पद प्राप्त होता है वो परिस्थिति कहलाता है, स्टेटस। व्यक्ति का पद उसका स्टेटस होता है जो उसको समाज द्वारा दिया जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी समय समय पे विभिन्न तरह से परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले मैं रॉल्फ लिंटन की परिभाषा यहाँ पर लूंगी। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति समाज में प्राप्त पद। और लिंटन के अनुसार भी व्यक्ति को समय समय पर समाज में एक पद दे दिया जाता है, वह उसकी परिस्थिति कहलाता है। दूसरी परिभाषा मैं लूंगी ऑकबर्न एवं निमकॉक के अनुसार। परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात परिस्थिति व्यक्ति का समूह में पद बताती है कि समूह में उसको क्या पद प्राप्त है, क्या वह उच्च पद पर है, क्या वह निम्न पद पर है, या वह किस पद पर है, किस नाम से उसकी पहचान होगी। परिस्थिति समाज में उसकी पहचान को बताती है। यह पद उसे जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है और कुछ पद उसे प्रयासों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने परिभाषाओं से समझा कि व्यक्ति के जन्म लेते ही, बच्चे के जन्म लेते ही समाज जो उसको पद दे देता है, वह उसकी परिस्थिति कहलाता है। एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में उसे स्टेटस कहा जाता है। परिस्थिति की कुछ विशेषताएं हैं। उसमें पहली, समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा परिस्थिति का निर्धारण। बालक जिस भी समाज में पैदा होता है, उसकी संस्कृति उसकी परिस्थिति का निर्धारण करती है। जैसे कि मध्यकाल में बेटी के पैदा होने पर उसकी परिस्थिति बहुत ही निम्न मानी जाती थी। क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो यहाँ बेटे की परिस्थिति हमेशा से बेटी से ऊपर मानी गई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कारक परिस्थिति निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज में काली और गोरी प्रजाति का एक डिफरेंस पाया जाता है। जो गोरी प्रजाति के लोग हैं, उनका स्टेटस समाज में ऊपर माना जाता है और काली प्रजाति के लोगों का स्टेटस समाज में निम्न माना जाता है। परिस्थिति की दूसरी विशेषता है, परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज में विभिन्न लोगों से कनेक्ट रहता है और ये कनेक्शन ही उसको स्टेटस प्रदान करते हैं। जो भी स्टेटस हमको मिला होता है, वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि मैं अध्यापक हूँ, तो मेरे अध्यापक होने के साथ में मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कि मैं किसका अध्यापक हूँ। यदि मैं कहीं की प्रिंसिपल हूँ,
यदि मैं कहीं पर मैनेजर हूँ तो मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो मुझे ये स्टेटस देते हैं, प्रिंसिपल होने पर मेरे साथ में मेरे अन्य अध्यापक, अन्य स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन का मैनेजर होने पर वहाँ के सारे कलीग्स मेरे साथ जुड़े होते हैं। तो ये विशेषता ये बता रही है कि प्रस्थिति दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। जैसे आप पिता हैं, तो पिता होने पर आपके साथ ये जुड़ा हुआ है कि आपके पुत्र और पुत्री अवश्य हैं। प्रस्थिति की तीसरी विशेषता है एक ही परिस्थिति का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है, अर्थात समाज में बहुत सारी परिस्थितियां बिखरी हुई हैं, बहुत सारे पदों पर अलग अलग तरह के लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरह से अलग अलग लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे पिता बहुत है, पुत्र बहुत है, भाई बहुत है, और मैनेजर्स बहुत हैं, लेक्चरर्स बहुत हैं, प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, पर सभी लोग अपने रोल को अपने ढंग से प्ले करते हैं, अपने ढंग से उस एक्टिविटी को निभाते हैं। हम देखते हैं कि हर पिता एक जैसा नहीं होता, हर भाई एक जैसा नहीं होता और हर पति एक जैसा नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति का उस परिस्थिति को निभाने का तरीका बिल्कुल डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है। परिस्थिति की अगली विशेषता है व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वह किसी का बेटा बन जाता है, किसी का दोहिता बन जाता है, किसी का पोता बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, किसी की बहन बन जाता है। उसी तरह एक परिस्थिति व्यक्ति पिता है तो पिता होने के साथ साथ भाई भी है, डॉक्टर भी है, किसी संगठन का मंत्री भी है, किसी का पड़ोसी भी है, कहीं पे खरीदारी भी करता है। तो इस तरह से वह पूरे जीवन में और पूरे जीवन के साथ साथ एक ही समय पर अनेक परिस्थितियां एक साथ में प्राप्त करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। परिस्थिति की अगली विशेषता है संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। जैसा परिस्थिति एक पद और समाज में अनेक पद समाज में व्याप्त हैं, जो कि अर्जित भी हो सकते हैं और समाज द्वारा प्रदत्त भी हो सकते हैं। तो ये जो समाज के परिस्थिति वर्ग हैं, परिस्थिति समूह हैं, वे विभिन्न क्राइटेरियों में बटे होते हैं, जैसे कि अध्यापक वर्ग, जैसे कि पुरुष वर्ग, जैसे कि बिजनेसमैन, जैसे कि बस में सवारी करने वाले लोग। इस तरह से समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा हुआ है। जैसे कि जाति का एक स्तर होता है उच्च जाति, निम्न जाति, वैसे ही परिस्थिति समूहों में भी एक स्तर जुड़ा होता है और उसी के कारण समाज में स्तरीकरण और विभेदीकरण का जन्म होता है। ये हम अगली विशेषता में पढ़ेंगे। परिस्थिति की अगली विशेषता है प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं और साथ ही में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, और जैसे ही उसका आंसर आता है हम उसका एक स्तर अपना दिमाग में निर्धारित कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेव उसके साथ में होता है। देखा जाए हमारे घर यदि या हमारे शहर में यदि प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं तो हमारे यहाँ का एक तौर तरीका बिल्कुल बदल जाता है। कभी हम कॉलेज में देखते हैं कि बाहर से किसी चीफ गेस्ट को हम बुलाते हैं तो हमारा स्तर, हमारा मूल्य, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे व्यवहार का तरीका उसके प्रति बिल्कुल अलग हो जाता है। और यदि हम किसी चपरासी से मिलते हैं, किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे तरीका, व्यवहार का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। अगली विशेषता है एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, पर वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि समाज एक जटिल अवधारणा है और मानव उसका एक प्रमुख अंग है
और जैसे ही वह पैदा होता है इस जटिलता के साथ में जुड़ जाता है, तो उसको अनेक सारे पद एक साथ में मिल जाते हैं। तो वह व्यक्ति हो सकता है कि कुछ पदों को बहुत अच्छी तरह अपनी भूमिका निभाता हो और कुछ पदों पर अपनी भूमिका अच्छे से निर्वाह नहीं कर पाता हो। जैसे हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो, एक बहुत अच्छा कलीग हो, एक बहुत अच्छा पिता हो, पर हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पति या भाई ना हो। तो अलग अलग पदों को निभाने का जो उसका तरीका है, वो कुछ में पूर्ण कुशल हो सकता है और कुछ में पूर्ण कुशलता कम हो सकती है। अगली विशेषता है, समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्करण तथा विभेदीकरण पैदा होता है। हमने पढ़ा कि समाज में विभिन्न परिस्थिति समूह होते हैं। कुछ समूह को हम उच्च मानते हैं और कुछ समूहों को हम निम्न का दर्जा देते हैं, और जो उच्च समूह है या उच्च परिस्थिति समूहों के कारण ही समाज में सामाजिक संस्करण और विभेदीकरण का जन्म होता है। समाज ऊंचे और नीचे के स्तर में बढ़ता है। और परिस्थिति की अंतिम विशेषता है, समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं और कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति को दिया गया पद, और वो पद उसे पैदा होते ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पद उसे अपनी योग्यता से भी हासिल करने पड़ते हैं। तो जो पद व्यक्ति को समाज में पैदा होते ही मिल जाता है, वह है उसका प्रदत्त परिस्थिति, और वह जो कि उसे अपनी योग्यता से हासिल करना होता है, वह है अर्जित परिस्थिति। तो इस प्रकार हमने देखा, परिस्थिति व्यक्ति का समाज में एक पद, और इस पद के साथ में कई सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, जैसे ये पद आप खुद भी प्राप्त कर सकते हैं और ये समाज द्वारा भी आपको दिया जा सकता है। ये पद आपको विभिन्न परिस्थिति समूहों में बांटता है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ में बहुत सारे मूल्य और प्रतिष्ठाएं जुड़ी होती हैं। एक व्यक्ति एक ही समय पर अनेक सारी परिस्थितियां निभाता है, पर उनका निर्वाहन वो अलग अलग ढंग से करता है। तो जब विशेषताओं में हमने पढ़ा कि कुछ पद आपको समाज द्वारा पैदा होते ही दे दिए जाते हैं और कुछ पदों के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, इसी आधार पर रॉल्फ लिंकन ने 1936 में सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति।